तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिनव और मेरे चैनल टेक्निकल शुक्ला जी में आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही खुशी का अवसर है क्योंकि मैं आज वो बताने जा रहा हूँ जो ना आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको बताया होगा। आप बिल्कुल सर्च करके देख लें, किस कोई भी वीडियो नहीं होगी इस वीडियो के बारे में। ऐसी वीडियो आपने बताने जा रहा हूँ, आपने तो थंबनेल पढ़ के देख लिया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो रैपिड माइंड है वो कैसे अपने वीडियो बनाती है। तो मैं समझ गया आज कैसे बनाती है, तो मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं उस पर जो आपको जो ये लाइक का बटन है इस पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ये बगल में बेल आइकन आता है इसको क्लिक करके घंटी का निशान भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और नीचे जाकर एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए जैसे नाइस, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज तक आप बिल्कुल मेरा ये है, आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा कि ऐसा कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और आज संडे भी है तो संडे को मैं हम सबके कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। तो मैंने एक बार लाइव भी किया था तो कोई लाइव आया नहीं था, देख लीजिए मैंने कमेंट बॉक्स लाइव क्वेश्चंस मैंने किया था लेकिन कोई आया नहीं था, इसलिए मैंने आज दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ ये बहुत मेहनत से बनाता हूँ। तो क्या आप मेरी मेहनत पे पानी फेरने देना चाहोगे? नहीं ना, इसलिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, तो बहुत होगी बात। ये फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि जो रैपिड माइंड है वो जो वीडियो बनाती है उसके लिए बहुत हुआ। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, जैसे रैपिड माइंड अपने फेस का वीडियो बनाती है, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो जैसे रैपिड माइंड अपने फेस का वीडियो बनाती है, मेरे चैनल पहली तो दिखाता हूँ मैं आपको वो कहाँ है। जैसे वो अपना फेस का वीडियो बनाती है, आपको भी अपने फेस का वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे बनाना होगा वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो आप सुन सकते हैं, मैं अभी थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ, अभी सुन सकते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, मेरे चैनल पहली वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो ले आयो आपके लिए मैं, तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा जहाँ पे जिसको सुनकर आपके दिमाग चकरा जाएगा चक्के की तरह। तो क्या तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। आप पहले ये थोड़ा वीडियो है ये देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे करना है, कैसे बनाना है ये वीडियो। तो पहले थोड़ा देख लीजिए आपको कब चुप रहना और कब आपको कब क्या करना है, ठीक है। सुनना चाहते हैं, अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक पहेली पूछने वाला हूँ, तो उस पहेली का जवाब बताइए। अगर किसी व्यक्ति का 4 साल में 1 बार जन्मदिन आता है तो बताइए कि उसका कितने तारीख का जन्मदिन है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड बाद मैं अपना इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। फिर जैसे ही 10 सेकेंड आप करते हैं तो 10 सेकेंड आपको चुप रहना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 सेकेंड आप चुप रह जाइएगा। आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आपको ऐसे ही 10 सेकेंड जब आप हर एक क्वेश्चन पूछने के बाद 10 सेकेंड आपको चुप रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके लिए आपको सबसे पहले एक पिक्सेल ऐप नाम की ऐप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और आपको एक काइन मास्टर नाम की ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले पिक्सेल ऐप में जाके आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप उसका फ़ोटो बना लीजिए।
तो जैसे मैं बना लेता हूँ, देखिए वैसे ही बना लीजिएगा। तो जैसे जल्दी से मैं बना लेता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछते हो उसको आपको इसमें लिख देना है। मैंने क्वेश्चन पूछा था किस व्यक्ति की आयु चार किसी व्यक्ति का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है तो उसका जन्मदिन का तारीख कौन सी होगी। तो ये पूछा था, मैं इसमें जल्दी से लिख देता हूँ, वही हिंदी में लिखेगा। साल में एक बार आता है तो उसका कौन सी तारीख तारीख को दिन है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लिख चुका है हिंदी में। अब मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे फिट कर देता हूँ जैसे करते हैं। तो इसको आप बड़ा करके देखिए, मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं बीच में कर देता हूँ। आपको इसमें कोई डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसे ही करना है। आपको जितने क्वेश्चन पूछे कि आपको उतना बना लेना है। तो मैं आपको अभी ऐसे बता रहा हूँ, अगर आप 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको 5 ऐसे बनाने पड़ेंगे लिख के, क्योंकि वो भी ऐसे ही करती है। ठीक है, तो मैं पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो चलो मैं एक ही बना लेता हूँ अभी। ठीक है, तो फिर आपको इसको सेव कर देना है, एक्सपोर्ट इमेज करके इसको सेव टू गैलरी पर कर दूँगा। फिर आपको क्या, आपको सबसे पहले एक वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे वो टाइमर का वीडियो डाउनलोड करती है ना, तो आपको भी वैसे एक टाइमर का वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। आप क्रोम ब्राउज़र में जाके सर्च कर सकते हैं टाइमर, 10 सेकंड टाइमर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने सर्च किया था, तो आपको 10 सेकंड टाइमर के नाम से आपको एक टाइमर डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। आप कैसा भी टाइमर डाउनलोड कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। तो देखिए मैंने वो डाउनलोड कर लिया है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। आप सर्च कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल उसके जैसा ही है। आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। तो देखता हूँ मेरा डाउनलोड हो चुका है कि नहीं। देखिए मेरा काउंटडाउन टाइमर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं चलता हूँ आखिरी स्टेप पे, ये काइंड मास्टर। इस पे आप वो मत कीजिएगा, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेन पार्ट है। अगर इसको स्किप कर दिया तो हो गया आपका काम, मतलब कि आपका वीडियो सही से नहीं बनेगा। अगर आप पहली बनाना चाहते हैं तभी आप कीजिएगा, नहीं तो आप टेक्निकल चैनल है और आप बना दीजिए पहली बना दीजिएगा तो आपका चैनल ब्लॉक हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने काइंड मास्टर खोल लिया है। मैं एमटी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। तो देखिए मैं जैसे जाता हूँ एमटी प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले मैंने जो अपना वीडियो बनाया था उसको मैं ले लेता हूँ। तो जल्दी से जाके मैं ले लेता हूँ मीडिया ब्राउज़र में जाके। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चूज़ कर लिया अपना, जो ये था मेरा वीडियो था, मैंने उसको चूज़ कर लिया है। तो मैं एक प्ले करके देख लेता हूँ कि मेरा सही से एडजस्ट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए मेरा एडजस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं आपने 10 सेकंड रुक चुप रहने को कहा था। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कहाँ है वो पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक कि उसका कितने तारीख का जन्मदिन है
आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड बाद मैं अपना इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया है, तो अब आपको यहाँ पे जो आपने बनाया था वो फ़ोटो बनाया था मीडिया में जाके, लेयर में जाके, मीडिया में जाके आपने जो फ़ोटो बनाया था आपको वो फ़ोटो लेना है, ठीक है? तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। तो फ़ोटो कहाँ है तो मैं देखता हूँ। हाँ देखिए मैंने पिक्सल में बनाया था उसको ले लेता हूँ। इसको मैं फुल पे कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ, ठीक है? तो 10 सेकंड जब तक मैं चुप रहूँगा, तो देखता हूँ कब तक ये चुप है। तो फ्रेंड्स तो देखिए मैंने यहाँ तक चुप हूँ, तो इसको उतना ही बड़ा कर दूँगा, उतना बड़ा कर दूँगा, ठीक है? राइट कर दिया। तो आपको जो आपने जो टाइमर डाउनलोड किया था वो लेयर पे जाके, मीडिया में जाके आपने जो टाइमर डाउनलोड किया था उसको आपको जहाँ पे जहाँ से आपने फ़ोटो किया है वहाँ पे ले जाना है, और वहीं से आपको वो टाइमर भी सेट कर देना है, ठीक है? तो जैसे वो भी करती है तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ और वीडियो चला के भी दिखाऊँगा, बिल्कुल उसी के उन्हीं के जैसा बनेगा। तो देखिए तो जो मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये लगा दिया है, आप देखिए चालू करके दिखाता हूँ। दिमाग पर जोर डालिए, आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड बाद मैं अपना इसका उत्तर बताऊँगा, ठीक है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए ये मेरा टाइमर चल रहा है 10 सेकंड का, ये टाइमर चलते रहेगा, फिर उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। देखिए हो चुका है ठीक, बिल्कुल रैपिड माइंड जैसा। तो देखिए ये वो भी लिख दिया है, तो हो गया ना रैपिड माइंड जैसा। मुझे पता तो आप इससे भी अच्छा बना सकती है। 29 फरवरी, जी हाँ, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल में एक बार। तो मुझे पता आप इससे भी अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलो बाय।